सिर्फ 13 मिनट में एक चोर ने सीसीटीवी कैमरा के सामने 50,000 का स्मार्टफोन चुरा कर सबको हैरान कर दिया और उसे लेकर सबके सामने से फरार भी हो गया। ये बात है 18 सितंबर बुधवार की। वार्ड नंबर 3 अंतर्गत पिलगेचिया के राजा मोबाइल स्टोर में एक व्यक्ति रात के 8:30 बजे के करीब मरून टी शर्ट, ग्रे ट्राउजर और हाथों में घड़ी पहने स्टोर में दाखिल होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो परेशान दिख रहा है, लेकिन स्टोर के स्टाफ या ओनर को ये बात समझ ही नहीं आई कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि रोज स्टोर में हर तरह के कस्टमर्स आते हैं और किसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसे जानना लगभग नामुमकिन है। 12 से 15 मिनट के संघर्ष के बाद उस चोर ने पहला अटेम्प्ट किया चोरी करने का, पर पहले अटेम्प्ट में वो असफल रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दूसरे अटेम्प्ट में वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और 50,000 के फोन को उड़ाकर ले गया। फिर स्टोर के ओनर ने फौरन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को लेकर और साथ ही साथ स्मार्टफोन के बिल को लेकर लोकल पुलिस स्टेशन उल्टा डांगा गए और वहां पर एक कंप्लेन दर्ज करवाई। उल्टा डांगा ने कंप्लेन तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक चोर का कुछ पता नहीं चल पाया है। साथ ही बता दें आपको कि वीडियो बनाने का मकसद बस आप तक जानकारी देनी है कि सतर्क रहे, क्योंकि चोर किसी भी भेष में आपके सामने आ सकता है और आपके सामान को चोरी कर सकता है।